तो रिवीजन क्लास टू ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आज चैप्टर पूरी तरीके से खत्म करेंगे। आज आई हैव ऑलरेडी सेड कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा था, आज हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से ही शुरू कर रहे हैं। 1848 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, जहां से राजा को भगा दिया गया था, फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री बना दिया गया था। ये इस जो लिबरल्स ने ये जो रेवोल्यूशन किया था, ऐसा रेवोल्यूशन आपको सिर्फ फ्रांस में नहीं हुआ था, ऐसा रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था, आपको ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में हुआ था, पोलैंड में हुआ था, जहां पर जो लिबरल मिडिल क्लास मेन एंड वुमेन थे, इन सब लोगों ने इस रेवोल्यूशन का कोशिश की। हम यहां पर बात करेंगे तीन देशों की, जर्मनी, इटली एंड ग्रेट ब्रिटेन। जर्मनी में क्या हुआ कि जर्मनी में देखो बेटा, चारों तरफ ये जो लिबरल्स थे, इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बना के रखे थे। पूरे जर्मनी में पॉलिटिकल क्लब्स बना हुआ था। इन पॉलिटिकल क्लब्स के, जर्मनी में ये जो पॉलिटिकल क्लब्स बना था, इन पॉलिटिकल क्लब्स के मेंबर कौन थे? इन पॉलिटिकल क्लब के मेंबर्स वो मिडिल क्लास मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, प्रोफेशनल्स, ये मिडिल क्लास लोग इसके मेंबर थे। इनको क्या बोला जाता है? लिबरल्स। तो इन लोगों ने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना के रखे थे। 1848 में क्या हुआ कि ये सब लोग फ्रैंकफर्ट के सड़कों पर इकट्ठा हुए। इन्होंने फ्रैंकफर्ट के सड़कों पर इकट्ठा होकर डिसाइड किया कि ये लोग ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे और उसके लिए ये लोग इलेक्शन करेंगे। 18 मई 1848 को इलेक्शंस के जरिए 831 मेंबर्स ऑफ ऑल जर्मन नेशनल असेंबली इलेक्ट किया गया, इलेक्शन हुआ। 831 मेंबर्स को जिताया गया, इलेक्ट किया गया। फिर एक बाजे गाजे के साथ एक प्रोसेशन निकाला गया, फेस्टिव प्रोसेशन। सब लोग खुशियां मनाते हुए फ्रैंकफर्ट के शहरों से होते हुए चर्च ऑफ सेंट पॉल्स में पहुंचे। चर्च ऑफ सेंट पॉल्स को ही इन्होंने अपना पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दिया। आप एनसीईआरटी किताब देखेंगे, चर्च ऑफ सेंट पॉल का फोटो दिया गया है। ऊपर गैलरी है और नीचे बैठने का जगह है। नीचे जो बैठने का जगह है, वहां पर वो 831 इलेक्टेड मेंबर्स बैठे, और ऊपर द गैलरी में वो लोग थे हु वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। या तो गरीब लोग, जो इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं है, या वुमेन, ये लोग एज एन ऑब्जर्वर ऊपर गैलरी से बैठ कर देख सकते थे। दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक। अब ये जो 831 मेंबर्स थे, उन्होंने बैठ के यूनाइटेड जर्मनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब उसके बाद से ये लोग गए, उस वक्त जो जर्मनी के जो अलग अलग हिस्से थे, उसमें प्रशिया सबसे स्ट्रांग हुआ करता था, सबसे ताकतवर। तो ये नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रसिया का जो राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर, उसके पास गए। उन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर को बोला कि तुम यूनाइटेड जर्मनी का राजा बन जाओ और इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तुम काम करो। राजा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और जो आसपास के दूसरे मोनार्क थे, आसपास के जो दूसरे राजा थे, उनके साथ हाथ मिला लिया।
जो अमीर लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो मिलिट्री थे, वो लोग भी नेशनल असेंबली के खिलाफ हो गए। जो गरीब लोग थे, जो वुमेन थे, उन लोगों को भी नेशनल असेंबली का, उन लोगों का भी नेशनल असेंबली को सपोर्ट नहीं था, क्योंकि इन लिबरल्स ने क्या किया था, इन गरीबों को, वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया था। जो डेमोक्रेसी था वो एक नया आइडिया था, उतना मजबूत नहीं था, उतना चारों तरफ फैला नहीं था। तो राजा मिल गया आसपास के दूसरे राजाओं के साथ, फ्रेडरिक विलियम, उसके सपोर्ट में आर्मी आ गई, उसके सपोर्ट में एरिस्टोक्रेट आ गए। फिर उसने आर्मी को बुला लिया फ्रैंकफर्ट में और जबरदस्ती नेशनल असेंबली को खत्म कर दिया, डिसबैंड कर दिया। अब उसके बाद से क्या जर्मनी यूनिफिकेशन का घटना खत्म हो गया? नहीं, अंदर ही अंदर तो चल ही रहा था कि भाई जर्मनी को यूनाइट करना है, जर्मनी को यूनाइट करना है। तो अब जर्मनी को यूनाइट करने की जिम्मेदारी ले ली प्रसिया ने, वही प्रसिया जिसके राजा ने नेशनल असेंबली का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। वही प्रसिया ने अब लीडरशिप रोल प्ले किया कि चलो जर्मनी को यूनाइट करते। प्रसिया का चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क। ये ओटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? ओटो वन बिस्मार्क ने आपको बड़ी चालाकी के साथ इसने क्या किया, प्रसिया के आर्मी का हेल्प लिया, प्रसिया के ब्यूरोक्रेट्स का हेल्प लिया, और इन सब के हेल्प लेकर 7 सालों में 3 लड़ाइयां लड़ी, 7 years 3 wars। और इन लड़ाइयों में उसने 3 देशों को हराया, ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क को हराया और फ्रांस को हराया। मतलब कि जो जर्मनी के अलग अलग टुकड़े जहां जहां पर भी थे वो सबको छुड़ा लिया गया। अब उसके बाद से 18 जनवरी 1871 को जो जर्मनी के जो अलग अलग टुकड़ों के जो राजा थे, अलग अलग जो राजा थे, उन सबको इकट्ठा किया गया, उनके ऑफिसर्स को इकट्ठा किया गया, पैलेस ऑफ वर्साइल्स, हॉल ऑफ मिरर में इकट्ठा किया गया। यहां पर इकट्ठा करके सबने मिलकर डिसीजन लिया कि जो यूनाइटेड जर्मनी है, यूनाइटेड जर्मनी का राजा जो प्रसिया का उस वक्त का राजा था कैसर विलियम 1, उसको यूनाइटेड जर्मनी का राजा डिक्लेयर किया गया। अब बन गया कैसर विलियम 1 यूनाइटेड जर्मनी का राजा। ये पूरे प्रोसेस में देखो, जो बेटा जर्मनी यूनाइट हुआ, इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिसने वॉर किया, जिसने सबके साथ समझौता किया, वो बंदा था ओटो वन बिस्मार्क, प्रसिया का चीफ मिनिस्टर। इसीलिए उसे आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कहा जाता है। जर्मनी के यूनाइट होने के बाद कैसर विलियम 1 को राजा डिक्लेयर कर देने के बाद पूरे जर्मनी में प्रसिया का डोमिनेंस स्टैब्लिश हो गया। प्रसिया का करेंसी, प्रसिया का बैंकिंग सिस्टम, प्रसिया का लीगल सिस्टम, प्रसिया का जुडिशियल सिस्टम पूरे जर्मनी में इंप्लीमेंट कर दिया गया। प्रसिया का वेट्स एंड मेजरमेंट्स भी पूरे जर्मनी में इंप्लीमेंट कर दिया गया। ये सब चीज क्या दिखाता है? पूरे जर्मनी के ऊपर प्रसिया का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो गया। इस तरीके से जर्मनी जो है यूनाइट हो गया, एक हो गया। समझ में आया बेटा सबको? यस सर रिद्धि, त्रिषा, यस सर हाँ,
अब हम बात करते हैं इटली का। तो इटली के बारे में काफी हद तक तो मैं जसप पेजिनी के साथ आप लोगों को बताया ही है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 डिफरेंट पार्ट्स। द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इटली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इटली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पैनिश बर्बन किंग्स। सर्डेनिया पीडमोंट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ विक्टर इमानुएल टू। और विक्टर इमानुएल टू ही जो इटालियन जो राज घराना था उसका असली वारिस था। द सेंट्रल पार्ट ऑफ इटली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप। जो जेसप मेजिनी था उस जेसप मेजिनी ने दो बार इटली को यूनाइट करने का कोशिश किया। जेसप मेजिनी ने लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह बनाए। लिगुरिया में इसने 1831 में लिगुरिया में वो किया कोशिश किया था, यूनिफिकेशन का कोशिश किया था, रिवोल्ट करने का कोशिश किया था, उसे देश से निकाल दिया गया था। जेसप मेजिनी ने 1848 में दोबारा इटली को यूनाइट करने का कोशिश किया, इस बार भी वो नाकामयाब रहा। और उसके बाद से उसने बोला कि अब भाई इटली को यूनाइट करने की जिम्मेदारी सर्डेनिया पीडमोंट का राजा विक्टर इमानुएल टू को उठाना पड़ेगा। इटली में जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो एलिट्स थे इटली के, वो लोग भी जानते थे कि अगर इटली यूनाइट हो जाता है तो इटली पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली यूरोप में पावरफुल हो सकता है, इटली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तब उसके बाद से सर्डेनिया पीडमोंट का जो चीफ मिनिस्टर था काउंट कैवियर, उसने इटली को यूनाइट करने का काम शुरू किया। जो ये सर्डेनिया पीडमोंट का चीफ मिनिस्टर था काउंट कैवियर, ही वॉज नॉट अ रेवोल्यूशनरी, ही वॉज नॉट अ डेमोक्रेट, ही वॉज एन एरिस्टोक्रेट, अमीर इंसान जिसे इटालियन लैंग्वेज में भी उतना बात करने नहीं आता था, इटालियन से अच्छा वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था। तो इसने बड़ी चालाकी से फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस किया और उसके बाद से इसने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली में जो ऑस्ट्रिया का कब्जा था उस ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। तो नॉर्दर्न पार्ट से ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का कब्जा खत्म हुआ। अब रहता है सदर्न पार्ट्स को स्पैनिश बर्बन रूलर से अलग करना। तो ये जो सदर्न पार्ट है यहां पर पीजेंट्स वगैरह ने मिलकर, लोकल पीजेंट्स वगैरह ने मिलकर एक बहुत बड़ा आर्मी बनाया था, ट्रूप बनाया था वॉलंटियर्स का, और इनका लीडर का नाम था जेसप गैरिबेल्डी। अब एक था काउंट कैवियर और उसका आर्मी जिसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया, और एक है जेसप गैरिबेल्डी और उसका आर्म्ड फोर्सेस का पीजेंट्स का वॉलंटियर। अब ये दोनों एक साथ मिल गए और दोनों ने एक साथ मिलकर सदर्न पार्ट्स ऑफ इटली से जो बर्बन रूलर्स का राज था वो खत्म कर दिया, बर्बन स्पैनिश रूलर्स को भगा दिया। और उसके बाद से 1861 को जो सर्डेनिया पीडमोंट का राजा था विक्टर इमानुएल टू, उसे यूनाइटेड इटली का राजा डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जो वॉलंटियर्स, जो पीजेंट के वॉलंटियर्स जो लड़ने गए थे ना, उनको पता ही नहीं था वो क्यों लड़ रहे हैं। उनको लगता था ला इटालिया का मतलब विक्टर इमानुएल की वाइफ है और विक्टर इमानुएल की वाइफ परेशानी में है, तो उसे बचाने के लिए ये लोग गए थे, उनको ये लगता था, जबकि ला इटालिया का मतलब इटली, उनका देश।
तो ये था इटली का यूनिफिकेशन। समझ, इसमें कौन किस किस का रोल इंपॉर्टेंट था? जेसेप मैजिनी, जिसने दो बार कोशिश किया, नाकामयाब रहा। काउंट कैवियर, चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया पिडमोंट, बहुत बड़ा रोल था। और तीसरा बंदा जिसका रोल था वो था जेसेप गैरिबाल्डी। ये तीनों का कंट्रीब्यूशन था इटली के यूनिफिकेशन में। समझ में आ गया बेटा इटली का यूनिफिकेशन? यस सर अब आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब देखो बेटा, इटली में क्या हुआ? एक देश अलग अलग टुकड़ों में बटा था, उसको एक साथ जोड़ा गया। जर्मनी में क्या हुआ? एक देश अलग अलग टुकड़ों में बटा था, उसे जोड़ा गया। ब्रिटेन में क्या हुआ? अलग अलग देश, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग कल्चर वाले लोग, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग, इनको एक साथ जोड़ा गया और यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। मतलब पूरे यूरोप में जो चीज चल रहा था कि एक जैसे लोगों का एक देश ग्रेट ब्रिटेन, उसका ठीक उल्टे कारण के वजह से बना था, इसीलिए इसको स्ट्रेंज केस कहा जाता है। अब ये जो यूनाइटेड किंगडम बनाने की जो कहानी शुरू हुई ना, ये कहानी शुरू हुई चार आइलैंड्स से, ब्रिटिश आइलैंड्स, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। यहां पर चार अलग अलग एथनिक ग्रुप है, स्कॉटिश, आयरिश, इंग्लिश एंड वेल्स। वेल्स और इंग्लैंड एक ही जैसे हैं, उनके ऊपर इंग्लिश का ही दबदबा है, अंग्रेजों का। स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री, आयरलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री। इंग्लैंड पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल, ये दोनों देश स्कॉटलैंड और आयरलैंड इंग्लैंड के सामने कुछ नहीं थे। इंग्लैंड में जो है आपको 1688 में ही मोनार्की से पावर छीन कर पार्लियामेंट स्टैब्लिश कर लिया गया था। इंग्लैंड जो है 1688 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था, जहां पर जो मोनार्क था वो मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब से काम करता था। अब इस इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने 1707 में स्कॉटलैंड को बहलाकर, फुसला कर एक कानून बना लिया, दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट कह लो, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ये एग्रीमेंट हो गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। ये एग्रीमेंट बनते ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्टैब्लिश हो गया। अब मैंने पहले ही बोला था कि इंग्लैंड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल था। तो जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के वजह से स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में समझौता हुआ और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, उसके बाद से जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का पार्लियामेंट था, उस पार्लियामेंट में इंग्लैंड के मेंबर्स ज्यादा थे, इंग्लैंड के मेंबर्स की डोमिनेंस थी, और उस वजह से इंग्लैंड ने पूरे स्कॉटलैंड में अपना इन्फ्लुएंस को फैलाना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो स्कॉटलैंड का अपना डिस्टिंक्ट कल्चर था उसे खत्म किया। इन्होंने जो स्कॉटलैंड का अपना डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस था उसे खत्म किया। जो स्कॉटलैंड में कैथलिक्स रहते थे, रिमेंबर इंग्लैंड इज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री। क्रिश्चियंस में बेसिकली दो ग्रुप होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट्स और एक कैथलिक्स, एंड इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स का कंट्री था।
स्कॉटलैंड में जो कैथलिक्स रहते थे उन कैथलिक्स ने इस चीज को अपोज किया, उन्होंने बोला कि नहीं हमें आजाद ही रहना है। इंग्लैंड ने क्या किया, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। जो भी स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे उन लोगों को अपना भाषा गेलिक लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया गया, उनका अपना नेशनल ड्रेस लगाने से मना कर दिया गया। जो इनकी बात नहीं सुनते थे उनको देश से निकाल दिया जाने लगा। तो स्कॉटलैंड में पूरा इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस फैल गया, बचा आयरलैंड। आयरलैंड में भी दो ग्रुप्स रहते थे, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। इंग्लैंड ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को भड़काया, आयरलैंड के अंदर सिविल वॉर करवा दिया। कैथलिक्स ने यूनाइट ये इंग्लैंड के खिलाफ रिवोल्ट किया। कैथलिक्स का एक लीडर का नाम था वुल्फ टोन और उसका एक ग्रुप था यूनाइटेड आयरिशमैन। इन लोगों ने मिलकर 1798 में इंग्लैंड के खिलाफ रिवोल्ट करने का कोशिश किया, लेकिन ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। और उसके बाद से 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना दिया गया। मतलब अब इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में चार देश, अलग अलग तरीके के लोगों वाले चार देश एक साथ आ गए और बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये पूरे इलाके में इंग्लैंड का ही इन्फ्लुएंस देखा गया। पूरे इलाके में जो इंग्लैंड का नेशनल एंथम था गॉड सेव आवर नोबल किंग, इसे यूनाइटेड किंगडम का नेशनल एंथम बना दिया गया। जो इंग्लैंड का झंडा था यूनियन जैक, उसे यूनाइटेड किंगडम का झंडा बना दिया गया। मतलब ये पूरी तरीके से इंग्लिश कल्चर को चारों तरफ फैलाने लगे, इंग्लिश लैंग्वेज को फैलाने लगे चारों तरफ। तो इस तरीके से इंग्लैंड जो है यहां पर मेन पार्टनर बन गया और बाकी को सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बना के रख दिया। मतलब ऐसे देश जो इंग्लैंड की बात सुने, इस तरीके से बना ग्रेट ब्रिटेन। समझ में आया बेटा? अब आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब देखो ना, भारत हमारा देश, जैसे ही हम भारत बोलते हैं भारत माता, ओ हो साड़ी लगाई हुई भारत माता, इंडिया के मैप के सामने त्रिशूल लेके खड़ी हुई भारत माता हमारे दिमाग में आ जाता है। तो क्या ये चलन इंडिया ने शुरू किया? यार हम इंडिया को, इंडिया भी कॉपीकैट करने में कम नहीं है ना। ये चीज शुरू हुआ यूरोप से, फ्रांस। फ्रांस ने अपनी फ्रांस का माता बनाया मरियान। जर्मनी ने अपना जर्मनी का माता बनाया जर्मेनिया। फ्रांस में जो मरियान बोला गया, मरियान एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, ठीक है। ये जो है ये ऐसा दिखाता था जैसे फ्रांस इज द नेशन ऑफ पीपल। जो मरियान के जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए, लिबर्टी रिपब्लिक ये सब चीज दिखाया गया। उस मरियान के फोटो में अलग अलग सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया, सिंबल्स ऑफ यूनिटी वगैरह का इस्तेमाल किया गया, रेड फ्लैग, रेड कैप, ट्राई कलर फ्लैग, ये सब चीज का इस्तेमाल किया गया। पूरे फ्रांस के चौराहे में मरियान के स्टैच्यूज बनाकर उसे लगाए गए ताकि लोग याद रखें कि ये हमारी फ्रांस माता है। सेम चीज जर्मनी में भी हुआ। जर्मनी में जो जर्मेनिया है उन्हें ओक लीव्स का क्राउन लगाया गया। ओक लीव्स का मतलब है हीरोइज्म, मतलब जर्मनी एक बहादुर देश है। इस चीज को दिखाने की कोशिश की गई।
इसके अलावा जैसे लिबर्टी, लिबर्टी को दिखाने के लिए आपको एक वुमेन जो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन बनाया गया, मतलब आंखों में पट्टी बंधी हुई है, हाथ में कॉमन बैलेंस लिए हैं, वो पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ था। ये इंडिया में भी आया, देखो सेम चीज जो आपको यूरोप में था वही चीज सेम चीज इंडिया में भी आया। आपको अलग अलग सिंबल्स इस्तेमाल किए गए, ब्रोकन चेन का मतलब बीइंग फ्री, रेड कैप का मतलब आपको लिबर्टी, फिर क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मतलब हीरोइज्म, स्वॉर्ड का मतलब रेडीनेस टू फाइट, ऑलिव ब्रांच स्वॉर्ड के चारों तरफ, इसका मतलब है कि हम पीसफुल निगोशिएशन के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स बनाए गए, अलग अलग लोगों के स्टैच्यू वगैरह से ह्यूमन बीइंग के एक नेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। इसी चीज को बोला गया विजुअलाइजिंग द नेशन। समझ में आया बेटा? यस सर। जल्दी जल्दी सब लोग जवाब दो। यस सर। वेरी गुड। अब आता है आखिरी टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देखो एक टाइम था जब यूरोप के बहुत सारे देश पूरे दुनिया में ताकतवर थे। इंग्लैंड था, रशिया था, जर्मनी था, ओटोमन एम्पायर था, स्पेन, पोर्चुगल, ये सारे देश बहुत ही पावरफुल देश। इन लोगों ने पूरे दुनिया में, अफ्रीका में, एशिया में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों को कब्जा किया था और उन देशों को अपना कॉलोनी बनाया था। इसी चीज को हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो ऐसा ही एक ओटोमन एम्पायर भी था। इस ओटोमन एम्पायर ने यूरोप का एक इलाका है जिसको कहा जाता है बल्कन्स, वो बल्कन इलाके में रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, सर्बिया, मेसिडोनिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, इस तरीके के बहुत सारे देश। ओटोमन एम्पायर ने इस पूरे इलाके को अपने एम्पायर का हिस्सा बना दिया, अपने एम्पायर में इसको इंक्लूड किया। ओटोमन एम्पायर लार्जेस्ट मुस्लिम एम्पायर था, इट वॉज रूल्ड बाय द खलीफा ऑफ टर्की। अब ये सारे जो बल्कन इलाके के ये जो देश हैं, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, स्लोवेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया, क्रोशिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, ये सारे देश 1871 के आसपास में क्या चाहते थे? ये सारे देश चाहते थे कि हमें ओटोमन एम्पायर से आजादी चाहिए। यहां पर जो लोग रहते थे बल्कन इलाके में उनको स्लैब्स बोला जाता था। इन लोगों ने लड़ाई छेड़ दी ओटोमन एम्पायर के खिलाफ, ओटोमन एम्पायर को बोल दिया कि अब नहीं, तुम्हारे कब्जे में, तुम्हारे कंट्रोल में हम लोग नहीं रहेंगे, हमें आजादी चाहिए। आजादी की लड़ाई हो गई जो आप लोगों ने पढ़ा भी, ग्रीस वॉर और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सारे देशों ने आजादी की लड़ाई शुरू कर दी और ये सारे देश एक दूसरे से जलते थे। ये सारे देश अपने आप को दूसरे देश से ज्यादा पावरफुल साबित करने पर तुले हुए थे। ये सारे देश एक दूसरे के इलाके को कब्जा करना चाह रहे थे। नतीजा क्या हुआ? एक तरफ ये सारे देश ओटोमन एम्पायर से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ ये सारे देश आपस में भी सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं। फिर जब
दुनिया के बड़े बड़े पावर्स, रसिया ने, ऑस्ट्रिया ने, इंग्लैंड ने, इन सब ने जब देखा कि अरे यार ये सब लोग, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, बलकन इलाका आजाद हो गया ओटोमन एम्पायर से, तो फिर इस इलाके में मेरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इंग्लैंड अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया बल्कन्स में, रसिया ने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया बल्कन इलाके में, बल्कन इलाके में आपको जर्मनी ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। अब आप सोचो, ये जो सारे देश जो मैंने नाम लिया, रोमानिया, बल्गेरिया, स्लोवेनिया, एल्बेनिया, सर्बिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बॉस्निया, ये सारे देश एक तरफ राज ये ओटोमन एम्पायर से लड़ रहे हैं, दूसरे तरफ आपस में लड़ रहे हैं, और तीसरी तरफ इनके ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश लड़ रहे हैं। तो ये जो बल्कन इलाका का ये जो माहौल था, ये माहौल एक्सप्लोसिव माहौल था, बहुत तगड़ा एक्सप्लोसिव माहौल। और इन्हीं माहौल की वजह से, ऐसा ही माहौल की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। कैसे हुआ? रसिया के जितने भी कॉलोनीज थे पूरे दुनिया में, वो इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया। इंग्लैंड के जितने भी कॉलोनीज थे वो भी वॉर में इन्वॉल्व हो गए। आपको जर्मनी के जो भी कॉलोनीज थे वो भी वॉर में इन्वॉल्व हो गए। नतीजा क्या क्या हुआ? ये वॉर, इसका सबसे तगड़ा असर तो यूरोप में हुआ, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में भी इसका असर हुआ। ये चीज को कहा जाता है द टेंशन इन बल्कन्स। इसी चीज को कहा जाता है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, जहां पर कुछ देश पूरे दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर कुछ देश अपने आप को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ, इस वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में अलग अलग कॉलोनीज ये सब इंडिपेंडेंट होने लगे, धीरे 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 इंडिपेंडेंट होने लगे, और ये जो सो कॉल्ड पावरफुल कंट्रीज थी, ये पावरफुल कंट्रीज अपने आप में कमजोर होते चले गए। समझ में आ गया बेटा? गुड। तो देखो बेटा, अब ये जो है आपको ये चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसका रिवीजन, ये रिवीजन खत्म हो गया नेशनलिज्म इन यूरोप का, ठीक है? कहीं पर किसी को डाउट है ये चैप्टर में, यूरोप में? नो सर। ओके, सो दैट्स इट, यूरोप खत्म।